हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पैटर्न से मास्क कैसे बनाते हैं। अगर आपको पैटर्न बनाने नहीं आता तो प्लीज़ जाके पहली वाली वीडियो देखिए। तो मास्क बनाने के लिए सबसे पहले अपने फैब्रिक को फोल्ड करिए अपनी तरफ। अब अपने पैटर्न को अपने फैब्रिक के ऊपर रखिए और आपके पैटर्न से आपका फैब्रिक हल्का सा बड़ा होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर ज़्यादा है तो हम उसको कम कर लेंगे, क्योंकि हमें 1/2 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस देना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने फैब्रिक को रखेंगे। अब देखिए एकदम सही है, थोड़ा सा हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है अपने पैटर्न से। अब हम चॉक से अपने फैब्रिक के ऊपर अपने पैटर्न को ट्रेस करेंगे। और ट्रेस करने के बाद 1/2 सेंटीमीटर हम सीम अलाउंसेस देंगे, एक्स्ट्रा छोड़ के चलेंगे। और अगर आपका फेस छोटा है तो आप इसी मास्क को यूज कर सकते हो और इसी के अंदर सीम अलाउंसेस दे देना, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। हमारा मास्क कट चुका है। अब इसके बाद जो हमारी ये लाइन है, ये वाली लाइन, यहाँ से हम अपने मास्क को स्टिच कर देंगे। आप दो बार स्टिच करिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी यहाँ से हमारा मास्क फटने लगता है, तो दो बार करने से वो पक्का हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इसको स्टिच कर लिया है और मैंने इसको दो बार स्टिच किया है, ताकि ये जो मेरा आगे का सेक्शन है ये ईजिली फटे ना। अब हमने जिस पार्ट को स्टिच किया है वहाँ पे हम हल्के हल्के नोचेस देंगे, और नोचेस लगाते वक्त प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी सीज़र आपके स्टिच तक ना जाए, वरना आपका स्टिच खुल जाएगा उस जगह से। हमने अपने मास्क को ऑन फोल्ड पे काटा था, तो एक जगह से पीछे की तरफ से हमारा मास्क बंद है, तो हम उसको वहाँ से सीजर की हेल्प से काट लेंगे दोनों मास्क को। अब हम अपने फैब्रिक को आयरन करेंगे ताकि हमारा मास्क सेट हो जाए। आपके मास्क की ये जो सीधी साइड है, इसके ऊपर हम दूसरे मास्क की सीधी साइड को रखेंगे, और जो उल्टी साइड होगी वो हमारी तरफ होगी। ये देखिए, उल्टी साइड हमारी तरफ आई है। अब हम अपने मास्क के सेंटर पॉइंट पे एक पर्ल पिन लगा देंगे, ताकि स्टिचिंग के वक्त हमारा फैब्रिक हिले ना और उससे हमारा मास्क खराब हो सकता है। अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस वाली लाइन से हमें स्टिच करना है।
जैसे हमने ऊपर किया सेम वैसे नीचे हमें पर्ल पिन लगानी है। अगर आपके उस पर्ल पिन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बस करते टाइम ध्यान रखिएगा कि आपके मास्क के जो सेंटर पॉइंट है वो आपस में मिलने चाहिए। और अब आपको यहाँ पे स्टिच लगा देना है। मैंने अपने मास्क को स्टिच कर लिया है ऊपर नीचे दोनों तरफ से। मैंने यहाँ पे दो बार स्टिच किया, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बार करना चाहते हो। अब हम अपने मास्क को सीधा करेंगे। अपने मास्क के अंदर आपको अपना हाथ डालना है, उसका एंड पॉइंट को पकड़ना है और उसको अपनी तरफ खींचना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो हमारे दोनों सेंटर पॉइंट सेम आए हैं, बराबर आए हैं, कोई आगे पीछे नहीं है फैब्रिक। मास्क में इलास्टिक लगाने के लिए हम अपने मास्क के ऊपर आयरन करेंगे। हमारा मास्क आयरन हो चुका है, मैंने इसको साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करके भी आयरन कर लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा इलास्टिक लगेंगे। अब इलास्टिक आपको मार्केट में बहुत सारे वैरायटी में मिल जाते हैं, तो ये वाला 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ का आपको मिलेगा। इससे आपके कान में दर्द नहीं होता, ये बहुत बहुत कंफर्टेबल होता है पहनते टाइम। और आपको एक ये भी मिलेगा, ये थोड़ा कम प्राइस का है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं अगर आप कभी लेने जाओ तो मैं आपको पहला वाला प्रेफर करूँगी। आपको बहुत सारे वैरायटी में मिल जाएगा और एक इससे थोड़ा मोटे में ये वाला भी अवेलेबल है मार्केट में। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हो। अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप इसको एक बार ढंग से देख लो। तो अभी मेरा मास्क का कलर ब्लैक है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी इसमें। तो ये वाला मैंने लिया है 11 इंच, जिसमें मेरा 1 इंच तो अंदर चला जाएगा मास्क के अंदर और रेडी आएगा 10, मतलब 5 एक साइड और 5 एक साइड। इसको मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। कभी कभी क्या होता है कि आपकी एक कान का इलास्टिक बड़ा होता है और एक कान का छोटा होता है, तो इसके लिए मैं मार्क कर लूँगी इलास्टिक के ऊपर ताकि सेम साइज़ के दोनों मेरे कान के इलास्टिक रहें। मैं दोनों मास्क के 1 सेंटीमीटर पे मार्क कर रही हूँ। आपको बताऊंगी कि आपको इलास्टिक लगाना कैसे है। तो आपको अपने मास्क के कॉर्नर वाली साइड से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है इलास्टिक में, उतने एरिया को, उतने पार्ट को आपको मास्क के अंदर रखना है दोनों साइड से। अब इसके बाद आपको अपने मास्क के यहाँ से स्टिच लगाना है, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ से आपको स्टिच लगाना है। और यहाँ जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे ऊपर ऊपर आपको टॉप सीम लगाना है। दूसरी साइड भी आपको सेम ऐसे ही करना है। देखिए हमारा इलास्टिक लग चुका है, मैंने यहाँ पे भी 2 स्टिच मारे हैं ताकि आपका इलास्टिक ईजिली ना निकले और ज़्यादा टाइम तक आपका मास्क चले। मैंने सेम एक और मास्क बनाया उसी पैटर्न से, लेकिन मैंने इसमें सीम अलाउंसेस एक्स्ट्रा नहीं छोड़े बल्कि इसी पैटर्न के अंदर एडजस्ट किया है। अगर आपका फेस छोटा है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन बड़ा है तो आपको अपने मास्क के पैटर्न से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। The subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.